हेलो बच्चों, गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। माई सेल्फ एस ए जौहर। आज के लेक्चर 14 में हम लोग देखने वाले हैं पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग इंक्लूड करेंगे, और एक हम लोग देखेंगे नॉट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन था, ठीक है। और जब पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को हमेशा ये प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना होगा। क्या था प्रायोरिटी ऑर्डर? डॉन, जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सबसे ज्यादा उस पेरेंट कार्बन में होने चाहिए, और देन मल्टीपल बॉन्ड था, फिर नंबर ऑफ कार्बन था, फिर सब्स्टिट्यूएंट था, मींस साइड ब्रांच था, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था फंक्शनल ग्रुप लेक्चर 13 में, जो कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था। और एक देखा था हमने चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा नॉट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसका कार्बन जो था चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ये इसका कार्बन जो है ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और इसका कार्बन पीसीसी में काउंट होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। इस्टर का भी, एनहाइड्राइड का भी, एसिड अमाइड का भी, एसिड हैलाइड का भी कार्बन जो है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन उसका इंक्लूड होगा पीसीसी में, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कीटोन का, इसका जो कार्बन है वो चेन टर्मिनेटिंग नहीं है, इसका कार्बन मिडिल में है या साइड में होगा, परंतु टर्मिनल इसका एंड ये जो है कार्बन नहीं होगा, ठीक है, पीसीसी में। ओके, पीसीसी में इसको सेलेक्ट जरूर करेंगे हम लोग, परंतु इसका कार्बन टर्मिनल नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है नॉट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये हम लोगों ने 13 लेक्चर में देखा था, लेक्चर 13 में। अब हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ कंपाउंड लिए थे जिसमें हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लेके सिलेक्शन देख रहे थे पेरेंट कार्बन चेन का। तो वहाँ पे हम लोगों ने जितने भी लिए थे, तो दो जो ग्रुप ले रहे थे हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोले तो पीएफजी डॉन, वो दोनों सेम कंपाउंड ले रहे थे हम लोग, सेम फंक्शनल ग्रुप ले रहे थे, और उसका पेरेंट कार्बन चेन जब चेक कर रहे थे तो उसके दोनों कार्बन हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे पेरेंट कार्बन चेन में। देख लें, जैसे जैसे ये हम लोगों ने कल देखा था, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था CN, तो इसका कार्बन काउंट करेंगे हम लोग, चूंकि ये डॉन है, ये भी डॉन, तो इस कंपाउंड में दो डॉन है, और ये साइड ब्रांच, ये भी साइड ब्रांच, हम लोगों ने कल देखा था, ऐसे रिव्यू ले रहे हैं हम लोग। दो डॉन और 1 2 3 4, फोर कार्बन का पीसीसी है और दो साइड ब्रांच है इसमें। कितने साइड ब्रांच हैं? दो साइड ब्रांच थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है जो ये डॉन है, ये जो डॉन है, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, साइनाइड, और ये भी साइनाइड। अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कर दें तो कैसे सिलेक्शन करेंगे, ये सब देखना है हमें, ठीक है। एक और सेम ही ले लेते हैं हम लोग, फिर डिफरेंट कर देंगे फंक्शनल ग्रुप, जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है उसको डिफरेंट करेंगे, फिर पीसीसी देखेंगे हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दिख रहा है हमें, ये कौन सा ग्रुप है?
ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे ये दोनों डॉन है क्योंकि दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे दोनों डॉन है, और जब दोनों डॉन है सेम प्रायोरिटी है दोनों का, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रायोरिटी डिफरेंस है ही नहीं दोनों कंपाउंड में, दोनों ग्रुप में। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसका जो चेन, पेरेंट कार्बन चेन जो इस कंपाउंड में हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इसका दोनों दोनों फंक्शनल ग्रुप का, दोनों डॉन का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होगा। बोले तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों कार्बन, दोनों फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड करेंगे पीसीसी में। तो हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे दो डॉन और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का पीसीसी हुआ है, और ब्रांच नहीं है इसमें, जीरो है, और ना ही मल्टीपल बॉन्ड था, ठीक है, ओके। अब हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं जिसमें एक डॉन होगा, जैसे ही एक डॉन होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे ही एक डॉन होगा पीएफजी हो जाएगा, जो बोले तो सेकेंडरी सफिक्स जो हो जाएगा, ठीक है, ध्यान होगा हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि डॉन को ही सेकेंडरी सफिक्स बोलते थे, टेक्निकल वर्ड जो हम लोग ले रहे थे सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, और इसी को पीएफजी भी बोलते हैं। जैसे ही कोई फंक्शनल ग्रुप पीएफजी हो जाए या सेकेंडरी सफिक्स हो जाए, मींस डॉन हो जाए, जो तो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो प्रीफिक्स हो जाता है, उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। जैसे ही उस कंपाउंड में कोई एक डॉन हो गया तो दूसरा प्रीफिक्स हो गया, मींस साइड ब्रांच हो गया, मींस सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये ग्रुप हम लोग देखते ही पहचान गए कौन है, ये डॉन है, मींस ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये यहाँ पे डॉन है इस कंपाउंड में, क्योंकि ये भी हम लोग ग्रुप देखे और पहचान गए, ये सी डबल बॉन्ड ओ आर है, या ओ मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, OCH3, COOR क्या कहलाता था, इस्टर कहलाता था, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोगों ने ध्यान रखा था, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड का था, COOS का, देन एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद था सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन इस्टर था, ठीक है। तो इस्टर की प्रायोरिटी कम है इसकी अपेक्षा, कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये डॉन हो गया, मीन्स पीएफजी हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, मीन्स सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही ये सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, मीन्स डॉन हो जाएगा, तो जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप था जो कि डॉन की दावेदारी दे रहा था, परंतु इससे भी हार्ड डॉन आ गया, इससे भी ऊंचा डॉन आ गया प्रायोरिटी का, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो ये यहाँ से डायरेक्ट ये प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये प्रीफिक्स हो जाएगा, मींस साइड ब्रांच हो जाएगा, मींस सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जैसे ही कोई कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं और एक अगर पीएफजी हो जाता है, मींस प्रायोरिटी ऑर्डर उसका ज़्यादा है और वो पीएफजी शो करता है, या डॉन जिसे बोल रहे हैं वो डॉन अगर हो जाता है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स हो जाएगा, या साइड ब्रांच हो जाएगा, या सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, वहां पे हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप लिया था,
अब कंपाउंड में हम लोग अगर सेम एस्टर ले लें, देखना होगा। CO CH3 CH2 CH2 O CH3, ठीक है। तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि उस बार इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे कार्बोक्जिलिक एसिड था परंतु यहाँ पे इस्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस्टर है और ये भी यहाँ पे डॉन है, इस कंपाउंड में ये भी डॉन है और ये भी डॉन है क्योंकि ये भी इस्टर है, ठीक है। ये भी इस्टर है तो ये इस कंपाउंड में डॉन है, ठीक है। तो ये भी डॉन है, तो जैसे ही ये दोनों डॉन है, दोनों सेम ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, तो दोनों ही यहाँ पे डॉन है। तो ध्यान रखना है कि इसका कार्बन, दोनों का कार्बन इंक्लूड होगा, ठीक है। दोनों को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, भाई तुम दोनों डॉन हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इस कंपाउंड में दो डॉन है, ठीक है, दो डॉन है और एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है पीसीसी में। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, फोर है, ठीक है। दो डॉन है और फोर कार्बन है इन पीसीसी, ठीक है। पीसीसी में कितना कार्बन है, दो, चार कार्बन है, सॉरी, ठीक है। देखते हैं हम लोग, अब दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग। ये एल्डिहाइड ग्रुप लगाया हमने, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, यहाँ पर अभी भी सेम ग्रुप लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, तो ध्यान रखना है इंड टू इंड हम लोग को पीसीसी सिलेक्ट करना है कार्बन का, ओके। तो हम लोग डॉन को प्रायोरिटी देते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन लेंगे पीसीसी में और पीसीसी सेलेक्ट करेंगे, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन से ज़्यादा प्रायोरिटी देना है डॉन को, ठीक है। तो इस कंपाउंड में दो डॉन एल्डिहाइड हैं, दो, और एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है पीसीसी में, 1 2 3 4 5 है और एक साइड ब्रांच है, ठीक है, वन साइड ब्रांच, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा, ओके। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को देखना है वैसा पीसीसी सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन मिले, वैसे पीसीसी सिलेक्ट करें हम लोग, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3, थ्री कार्बन का पीसीसी इधर मिल रहा है और इधर इंड टू इंड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, ठीक है। तो इधर थ्री कार्बन का ही पीसीसी मिल रहा था और सिक्स कार्बन का इधर मिल रहा है, तो हम लोगों को देखना है कि इधर भी मल्टीपल बॉन्ड है और इधर भी मल्टीपल बॉन्ड है, सेम मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है, परंतु यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन नहीं है ज़्यादा। तो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे चूंकि मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग इधर से चलेंगे सिलेक्शन करते हुए पीसीसी का,
ठीक है, इधर नहीं जाएंगे, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा। यहाँ पे डाउन कितना है, वन डाउन है, और मल्टीपल बॉन्ड पीसीसी में वन है, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है, और इसको हम लोग यहाँ ये कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है हम लोग को ध्यान रखना है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, ये विनाइल है, हम लोगों को ध्यान रखना होगा ये विनाइल ग्रुप है, ऐसा होता था विनाइल, ठीक है, तो ये यही ग्रुप लगा हुआ है, विनाइल ग्रुप है, याद होगा कि sp2 कार्बन है यहाँ पे, और इससे ही फ्री वैलेंसी निकला है, ठीक है, तो ये विनाइल कहलाता था, 2 कार्बन का विनाइल और 3 कार्बन का एलाइल होता था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अब देखना है हम लोगों को, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, ये विनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कुछ, आज का लास्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इधर, फिर हम लोगों ने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है, तो ये डॉन होगा इस कंपाउंड में, ठीक है, और हम लोग पीसीसी सेलेक्ट करेंगे, डॉन सबसे ज़्यादा हो, मीन्स यहाँ पे डॉन को प्रायोरिटी देंगे, देन मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, तो यहाँ देखना है हम लोगों को कि इधर मल्टीपल बॉन्ड भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है, तो इधर ही जाएंगे, और ये विनाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे CH रहेगा, ध्यान रखें, तो ये विनाइल ग्रुप है और ये नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा था और मल्टीपल बॉन्ड भी 2 ठो है यहाँ पे, तो हम लोग इधर ही सिलेक्ट किए हैं PCC, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, तो यहाँ पे इस कंपाउंड में एक डॉन है, नंबर ऑफ कार्बन मीन्स बोले तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे कितना है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है PCC में, और नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इन PCC, ठीक है, और एक सब्स्टिट्यूएंट है, बोले तो साइड ब्रांच एक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन था इसमें, नंबर ऑफ कार्बन इन PCC 6 था, ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि 3 फंक्शनल ग्रुप मीन्स 3 अगर डॉन हो, जैसे हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग देख रहे थे वैसा कंपाउंड जिसमें 2 ही फंक्शनल ग्रुप लग रहे थे जो डॉन हो रहे थे, या डिफरेंट देखा हमने, परंतु अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हम लोग, जो कि लेक्चर 15 में देखेंगे कि इस कंपाउंड का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, तो आज का लेक्चर 14 हम लोग यहीं रखते हैं, धन्यवाद।